गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके पार्ट 14 मैं मजदूर पर प्रकाश डालने जा रही हूँ। मैं मजदूर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, आपने देखा होगा आपके आसपास, जहाँ भी आप निगाह डालते हैं, जहाँ भी कोई निर्माण कार्य होता है तो ये किसके द्वारा होता है? मजदूरों के द्वारा। वो अपना खून पसीना एक कर हमारी हर सुख सुविधाओं की चीजों का निर्माण करते हैं। उस मजदूर की मनोव्यथा को राइटर ने हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक उन मजदूरों के ऊपर क्या बीतती है, मजदूर किस तरह से कार्य करता है और उसे मजदूरी करते समय कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस सब का वर्णन इस पार्ट में किया है। उनकी दशा कैसी होती है, उनके रहने की जगह कैसी होती है, उनकी पहनने कपड़े कैसे होते हैं, उनके खाने का भोजन कैसा होता है, इस सब का वर्णन किया है। कि हमने देखा है कि समाज में दो तरह की वर्ग होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको पता है? एक तो होता है श्रमिक वर्ग, दूसरा होता है पूंजीपति वर्ग। श्रमिक वर्ग कौन सा होता है? श्रमिक वर्ग वह होता है जो काम करने वाला होता है, है ना, जो कार्य करता है, जो निर्माण कार्य करता है, वह श्रमिक वर्ग है। दिन रात खून पसीना एक करता है, वह श्रमिक वर्ग है। दूसरा होता है पूंजीपति। पूंजीपति कौन होता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है और वह सिर्फ लोगों से काम करवाता है, काम करता नहीं है, काम करवाने का काम करता है। तो इस पूंजीपति वर्ग को कौन सा वर्ग कहा जाता है? शोषक वर्ग। और जो श्रमिक वर्ग है उसको कौन सा वर्ग कहा जाता है? शोषित वर्ग। ओके, इन दोनों में समझते हो कितना अंतर है? एक जमीन है तो दूसरा आसमान, ठीक, एक जमीन है दूसरा आसमान, इतना अंतर है। क्योंकि पूंजीपति क्या है? आसमान। और जो श्रमिक वर्ग है वह क्या है? जमीन। और पूंजीपति वर्ग श्रमिक का क्या करता है? शोषण करता है, ठीक है। ये तो आपको मजदूर के बारे में जानकारी दे दी मैंने। अब इसके बाद इस पाठ में क्या है इसका मैं आपको सार बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। मजदूर अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, क्या बता रहा है? मैं मजदूर हूँ। वह अपनी व्यथा आपके सामने बताने के लिए जा रहा है। मजदूरों ने जंगली मनुष्य को सभ्यता के शिखर तक पहुंचाया। पहले क्या थे हम? आदिवासी थे। हमें न रहने का ढंग था, न चलने का ढंग था, न खाने का ढंग था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो मजदूर है इन्होंने ही मनुष्य की सभ्यता को शिखर तक पहुंचाने का कार्य किया है। उनकी बाजुओं पर जमाना टिका हुआ है, उनकी बाजुओं में ही सबसे बड़ी ताकत है। गगन चुम्बी मारते हैं, ये बड़ी बड़ी सड़कें हैं, ये पहाड़ों के ऊपर सड़कें हैं, ये सब कौन करता है? ये सब निर्माण है, ये सब मजदूर करता है, ये सब उसी की पसीने की देन है। वह सब निर्माण वही मजदूर करता है। उसने नदियों के बहाव को रोका है, उसने तालाब बनाए हैं, उसने समुद्र के जल को सुखाया है, दलदली जमीन को ठोस बनाया है तथा हरी भरी फसलों को लहराया है। उसी ने चट्टानों को खोदकर टीन, सोना, चांदी, लोहा, कोयला, हीरा सब निकालने का कार्य किया है। उसी ने गगनचुम्बी जो इमारतें खड़ी हैं, उनका निर्माण कार्य किया है। उसी ने खेती में से सोने जैसी फसलों को उगाया है और उसी ने उन फसलों के द्वारा हमें सुखी किया है, हमें सुखी किया है ना। और मजदूर जो है इतना सब करने के बाद
कहाँ रहता है? घास फूस की झोपड़ियों में रहता है, है ना? वह इतने बड़े बड़े कारखाने बनाता है जो बहुत सारा माल उगलते हैं, लेकिन वह कहाँ रहता है? ऐसे स्थानों पर रहता है जो गंदगी से भरे हुए रहते हैं, जहाँ हम जाने से कतराते हैं, जहाँ हम जाना नहीं चाहते। उसने एक से एक वस्त्रों का निर्माण किया है, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन आज वह नंगा और भूखा है। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे समाज की यह व्यवस्था है जिसमें मजदूर इतना परेशान, इतना दुखी है कि उसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं है? आगे मजदूर कहता है कि वास्तव में मैं मजदूर हूँ, मुझे जो अमीर है उनकी बस्ती से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ निर्माण कार्य करता हूँ, मैं परिश्रम करता हूँ और स्वर्ग जैसी बस्ती का निर्माण करता हूँ। और लोग क्या करते हैं फिर भी कि उसमें कमियां निकालने का काम करते हैं। मैं उन लोगों की कमियों को मिटा नहीं पाया हूँ, मैं लोगों के अभावों को मिटा नहीं पाया हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने इतने बड़े बड़े महलों का निर्माण किया, पर मैं टूटे फूटे मकानों में रहता हूँ, मैं उन्हीं मकानों में अपना जीवन निर्वाह करता रहता हूँ और लोगों के घर को सजाने का काम करता हूँ। इस तरह से हमने देखा कि एक मजदूर की क्या व्यथा है कि वह सब कुछ अमीरों को देता है और स्वयं गरीबी में जीवन बिता देता है और अंत समय वह उसी गरीबी में ही मर जाता है। ठीक है, वह उसी गरीबी में ही मर जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस पाठ में मजदूरों की व्यथा का वर्णन किया गया है जो बहुत हृदय स्पर्शी है, जो हमारे दिल को छू जाता है। ऐसा इसमें दर्दनीय वर्णन किया गया है। ठीक, ये आपका लेसन का सार हो गया। उसके बाद हमने देखा है कि और थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो मजदूर वर्ग रहता है, जैसे आपके यहाँ भी काम करने वाले जो लोग आते हैं उनको किस तरह से डांटा जाता है, झुंझलाया जाता है, काम अधिक लिया जाता है पर पैसे कम दिए जाते हैं, तो ये बेचारे कुछ कह नहीं सकते, ना कुछ विद्रोह कर पाते हैं, सब कुछ झेल लेते हैं और उस झेलते ही झेलते वह अपने जीवन यापन करते करते मर मिट जाते हैं। लेकिन ये जो अमीर लोग हैं और जो काम कराने वाले लोग हैं, इनको उन पर कभी तरस नहीं आता है, ना कभी ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति के मन पर क्या बीतती होगी, यह सब वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? इससे ये शिक्षा मिल रही है कि हमें हमेशा मजदूर वर्ग पर का शोषण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपने ही समान समझकर उनकी हर स्थिति में सहायता करना चाहिए। अगर हमारे पास पैसे हैं तो हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका सर। अब इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये तो मैं पीडीएफ में दूंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर ये पीडीएफ में दूंगी। ये क्वेश्चन आंसर आप बुक से फाइंड कर लीजिएगा, ये आपसे बनना चाहिए, और ये मैं पीडीएफ में दूंगी। ये आपका होमवर्क रहता है, ये होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज भी मैं पीडीएफ में दे दूंगी। तो ये आपका लेसन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका लेसन फिनिश, ये आपका 14 लेसन भी कंप्लीट हो गया। ओके,